Hi everyone, welcome to Real Stop It Lockdown Workout Series 2. First of all, thanks a lot guys, आप लोगों ने बहुत support किया और बहुत सारे questions आए, बहुत सारी queries आई कि सर आप please lockdown extend हो गया तो और workouts दीजिए और series बनाइए. तो of course last time की तरह जैसे मैंने आपको promise किया था कि मैं एक और series लेकर आऊँगा, ये series हम start कर रहे हैं. ये series जो होगी ये होगी 7-day series, यानी अगले 7 दिनों तक हम ये workout करेंगे, लेकिन ये बहुत ही different type of workout है. अगेन जिसका सबसे पहला प्लस पॉइंट ये होगा कि इसमें कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं होगा. जो एक आध इक्विपमेंट हम यूज करेंगे वो सिर्फ घर की एक बकेट वगैरह हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. टोटल बॉडी वेट होगा, कोई आपको स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है. आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, कोई डंबल बारबेल मशीन, आपके पास कोई सिलेंडर्स नहीं है, कोई स्किपिंग रोप्स नहीं है, कोई आपके पास ट्यूब्स नहीं है या बैंड्स नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ आपको खुद की बॉडी ठीक है और एक्सरसाइज पता होनी चाहिए, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए. बहुत ही लिमिटेड स्पेस में जो है हम ये वर्कआउट करेंगे. ऑलराइट, सो अब इस वर्कआउट में एक और जो चीज होगी अगले 7 डेज तक, जैसा आपने पोस्टर भी देखा होगा, मैं आपको बता देता हूं कि अगले 7 दिन तक हम लोग जो है 2 चैलेंजेस लेंगे. सो पहला चैलेंज ये होगा कि जो हम पुशअप्स करेंगे, हम हर रोज 100 पुशअप्स करेंगे. फाइन, अभी जो 100 पुशअप्स होंगे ये कॉमन पुशअप्स नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम चैलेंजेस लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पुशअप्स करेंगे जैसे हमने पिछली सीरीज में भी किए थे. और हर रोज हम 10 सेट्स करेंगे, 10 रेपिटेशन के, इस हिसाब से हम पुशअप्स करेंगे और आपको दिखाऊंगा कैसे करना है. उसके अलावा जो सेकेंड एक्सरसाइज होगी, क्योंकि पूरी की पूरी सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट एम है जो इस बार मैंने डिसाइड किया आप लोगों के लिए, वो बहुत चैलेंजिंग है, वो ये है कि हम लोग इसमें ज्यादा वेराइटी नहीं देंगे. हम इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस पर वर्कआउट लेंगे लेकिन वॉल्यूम बढ़ाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स से अगर मैंने एक एक्सरसाइज ली जिसमें मैं फार्मर्स वॉक ले रहा हूं या बकेट कैरी ले रहा हूं, उसके साथ हम सुपरसेट्स करेंगे जो हम पुशअप्स करेंगे. सो जब सुपरसेट्स होंगे पुशअप्स के, वो 10x10 होंगे. उसी तरह एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट्स जो होगा वो भी आपके जो सेकंड एक्सरसाइज होगी उसके भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट्स होंगे. ये सारी एक्सरसाइजेस जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा हर एक वीडियो में. उसके अलावा ये सारी एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन के नीचे, जो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे की सारे जो उसके एक्सरसाइजेस हैं उसमें कितने सेट्स हैं, कितने रेप्स हैं, वो सारा कुछ मेंशन होगा. ऑलराइट गाइस, सो आज डे 1 का जो पहला वर्कआउट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपको बताता हूं, अगेन हर बार की तरह बिगनर और एडवांस वर्कआउट होगा. राइट, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है. तो जब आप डिस्क्रिप्शन में वर्कआउट पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा A1 A2 लिखा होगा. A1 के आगे एक्सरसाइज का नाम, रेप और सेट्स लिखे होंगे, और A2 के आगे एक्सरसाइज नाम के आगे रेप और सेट्स लिखे होंगे. A1 A2 का मतलब है कि ये 2 एक्सरसाइजेस सुपर सेट फॉर्मेट में करनी है. सुपर सेट का मतलब क्या हुआ कि इन 2 एक्सरसाइजेस के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा, कंटिन्यूएशन में करनी. और हर एक सुपर सेट के बाद आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी, स्पेशली जैसे जैसे फटीग बढ़ता है. ऑलराइट, सो जो डे 1 का वर्कआउट है उसमें जो पहला हम वर्कआउट ले रहे हैं वो है बकेट कैरी. हमने लास्ट टाइम भी करा था, फार्मर्स वॉक कह सकते हैं, सिर्फ बकेट कैरी कह सकते हैं. हम सिर्फ 2 बकेट्स लेंगे और उसे हम कैरी करेंगे. आपको दिखाता हूं कैसे. सो मैंने 2 बकेट्स जो हैं ऑलरेडी रेडी रखी हुई हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिगिनर्स थोड़ा पानी कम रख सकते हैं, लेकिन जो एडवांस यूजर्स होंगे इस पर्टिकुलर वर्कआउट के, वो पूरी बाल्टी फिल करके रखें. ऑलराइट, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन 2 बकेट्स को उठाकर सिर्फ चलना है. ये फार्मर्स वॉक कहलाती है, बकेट कैरी कहलाता है. लेकिन जो टोटल टाइम होगा वो एक सेट में होगा 30 सेकेंड्स. यानी जो एडवांस एथलीट्स हैं उनके लिए ये जो फार्मर्स वॉक है ये 30 सेकेंड तक आपने बकेट को लेके चलना है. आपने 30 सेकेंड से पहले ये बकेट को नीचे नहीं रखना है. जो बिगिनर्स होंगे उनको ये 20 सेकेंड तक करना है. ऑलराइट, नाउ जैसे ही आपका ये वर्कआउट इमीडिएटली सेट खत्म होता है कि आप 30 सेकेंड्स के बाद जैसे ही बकेट को रखते हैं, उसी टाइम जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन पुशअप्स एडवांस एथलीट्स के लिए, और बिगिनर्स के लिए जो है वो है नी पुशअप्स. सो इंक्लाइन पुशअप्स हमने पहले भी करा हुआ है, फिर एलिवेटेड पुशअप्स कह सकते हैं. पैर ऊपर, हाथ नीचे, ठीक है. और कैसे करना है आपको दिखा देता हूं. सो प्लैंक पोजिशन, ओके, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं आ रहा, मेरे आर्म्स जो है शोल्डर के नीचे हैं. गो वेरी स्लो, होल्ड अप, अगेन गो वेरी स्लो, होल्ड अप. ये जो इंक्लाइन पुशअप्स है इसके आपने मारने हैं
10 सेट्स 10 रेप्स. इसका मतलब है कि जब आपने पहला सेट किया पॉकेट कैरी का, 30 सेकंड्स तक आपने फार्मर्स वॉक करी, इमीडिएटली रखा, उसके बाद आके एलिवेटेड पुशअप्स करें. ठीक है, ये पुशअप्स आपने 10 रेप्स करी, उसके बाद 1 से 2 मिनट का रेस्ट लिया, अगेन आपने 30 सेकंड्स तक फार्मर्स वॉक करी बकेट्स को लेके और इमीडिएटली सुपरसेट करा दोबारा इंक्लाइन पुशअप्स का, एलिवेटेड पुशअप्स का. ऐसे करते करते दोनों के टोटल 10 आपको सेट्स करने हैं. ओके, सो टोटल 20 सेट्स हुए आपके इस पूरे के पूरे वर्कआउट में. तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, राइट. लोग इसे जीबीटी भी कह सकते हैं, बट ये जीबीटी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हाँ इसमें इफेक्ट उसी तरह आएगा आपको. एक वॉल्यूम वर्कआउट है. जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एलिवेटेड पुशअप नहीं रहेगा, फार्मर्स वॉक कॉमन रहेगी, लेकिन 30 सेकंड की जगह 20 सेकंड रहेगा. ओके, और उनके लिए रहेगा नी पुशअप्स. नी पुशअप्स मैंने पहले ही बताया, मैं दोबारा बताता हूं कैसे करने हैं. ये देखिए, आप अपनी नी पे आइए. ओके, नाउ हाथों को आगे पुशअप पोजिशन में. गलती लोग क्या करते हैं नी पोजिशन में कि वेट पीछे रखते हैं. वेट पीछे नहीं रहेगा, वेट आर्म्स के ऊपर रहेगा. ऑलराइट, और जब ये आर्म्स के ऊपर वेट रहेगा तो शोल्डर्स के नीचे आपके हाथ आएंगे. ठीक है, अब आपने पुशअप करना है, पूरा नीचे जाना है, पूरा नीचे, एंड होल्ड एंड दिस इज द नी पुशअप. तो आपने 10 नी पुशअप्स करने. अब आपके केस में जो नंबर ऑफ सेट्स होंगे वो 10 नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो आप ओवरऑल 5 से लेकर 10 के बीच में जितना आप पुश कर सकते हैं उतना करिए. यानी मिनिमम आपने 5 सेट करने हैं दोनों एक्सरसाइज के, यानी बकेट कैरी के और नी पुशअप्स के. ओके, और अगर आप चाहते हैं ज्यादा तो 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आप चाहें वो कर सकते हैं. 10 आपकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी. अगर आप 10 तक खींच पाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऑल द बिगिनर्स आर नॉट एबल टू डू इनिशियली, धीरे धीरे आप कर पाएंगे. ओके, सो आई होप आपको जो डे 1 का वर्कआउट था वो समझ में आ गया होगा. इस वर्कआउट की पूरी डिस्क्रिप्शन जो है, पूरे जो इसके ऊपर कि कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कितने सेट्स, कितने रेप्स, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सारी की सारी आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई. सो दिस वॉज डे 1 वर्कआउट फॉर लॉकडाउन वर्कआउट सीरीज 2. ऑलराइट गाइस, तो अब हम मिलते हैं कल फॉर सेकेंड डे वर्कआउट.